गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश का बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, यानी कि जादुई तालाब। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है, उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। यह यक्ष यम था, जो मृत्यु के देवता हैं। युधिष्ठिर को देखने तथा उसके ज्ञान की परीक्षा के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर एवं उन्हें आशीर्वाद देकर यम अदृश्य हो गए। तो चलिए डिटेल से इसके बारे में जानते हैं कि इस कहानी में वास्तव में क्या है। लिखा है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, यानी कि जैसे ही वह अपने भाइयों के शक्तिशाली लिम्स मतलब अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय अवस्था में पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड हु कुड, उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य हुआ कि कौन हो सकता है, हैव बीन पावरफुल इनफ मतलब इतना शक्तिशाली, टू किल देम जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन ही टू मतलब तब वह भी, डिसेंडेड का मतलब हो जाए उतरना, इनटू पूल मतलब तालाब में, तब वह भी तालाब में उतर पड़े, ड्रान टू द वाटर, ड्रान मतलब खींच जाना, यानी कि पानी को देख करके या पानी की वजह से वो भी तालाब में उतरे, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मतलब हो जाएगा व्याकुल, मतलब प्यास से वह व्याकुल होकर के पानी पीने के लिए तालाब में उतरे, एट वंस ही द वाइस विदाउट फॉर वार्न्ड, एट वंस मतलब उसी समय या तत्काल, द वाइस विदाउट फॉर्म मतलब शरीर रहित, विदाउट फॉर्म मतलब शरीर रहित जो आवाज थी उसने वार्न मतलब उन्हें चेतावनी दिया, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, यक्ष जो यमराज जो यक्ष का रूप बनाए थे कहे कि योर ब्रदर्स मतलब तुम्हारे भाई या आपके भाई इसलिए मारे गए क्योंकि वे लोग मेरी बातों का ही मतलब ध्यान नहीं दिए, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने की कोशिश किए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए, डू नॉट फॉलो देम उनका अनुसरण मत करिए या उनकी तरह आप भी मत करिए, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एंड देन और उसके बाद, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच का मतलब है प्यास बुझाना, यानी कि तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स का मतलब हो जाएगा संबंध रखना, यह तालाब मेरा है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यच, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड यह समझने में कि दीज कुड बी नन यह कोई और नहीं हो सकता देन द वर्ड्स ऑफ ए यच, यानी कि यच के शब्दों के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, एंड गेस्ट और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा, इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे
आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ कह रहे हैं कि इट टूक ही नो टाइम, उन्हें पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में उन्हें देर नहीं लगी। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर रहित स्वर से कहा, Please ask your questions, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। अब यहां से एक एक प्रश्न पूछते हैं। The voice put questions rapidly one after another, कहा कि जो आवाज थी उस आवाज ने तेजी से एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मतलब बचाना, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है या फिर मनुष्य को खतरे से क्या बचाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज मतलब साहस। फिर पूछे कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, लिखा इट इज बाई एसोसिएशन, यह बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, मनुष्य की संगति में ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है। इन्होंने जवाब दिया माइंड मतलब मन। फिर पूछा व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई डिस्ट्रा, ड्राई डिस्ट्रा मतलब सूखा हुआ तिनका या भूसा, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो इन्होंने उत्तर दिया असारो स्ट्राइकेन हार्ट मतलब दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन है। फिर इन्होंने जवाब दिया लर्निंग यानी कि ज्ञान। हु ए कंपनीज अ मैन इन डेथ, सॉरी व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। इन्होंने जवाब दिया द वाइफ मतलब पत्नी। फिर आगे पूछे हु एकंपनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है। धर्म दैट एलोन एकंपनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ यानी कि पृथ्वी, विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, और यह सबसे बड़ा पात्र है। फिर पूछे कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। तो इन्होंने जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। फिर पूछे कि व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से या जिसको त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। प्राइड, इन्होंने जवाब दिया कि वह अभिमान है, फॉर क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड,
यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाता है।